शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लीज प्लीज गोली मत चलाना। अब आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। देखिए मेरी तीन तीन बीवियां हैं, तीनों की तीनों बेवा हो जाएगी। मेरे 13 बच्चे हैं, 26 कुत्ते हैं, सबके सब अनाथ हो जाएंगे। जैसे ही मैंने उसकी गनपट्टी पर ये गनपट्टी रखी, उसका चेहरा बिना दूध की चाय जैसा काला पड़ गया। साला लायर। लेकिन सर, उस वकील का कसूर क्या था? उसका कसूर यह था, पुलिस मुझे ढूंढ रही है ये बताने के लिए मेरे बेडरूम में घुसाया, और वो भी बिना नाक किए। बस इतनी सी बात पे आपने उस वकील को कुत्ता बना दिया? अबे घन चक्कर, मैं उसकी बीवी के साथ था। खोपड़ी नहीं सटकेगी क्या? फिर क्या, तुम तो जानते हो मैं दरिया दिल हूँ, तो उसको दरिया में फेंकने से पहले मुझे दया आ गई। मैंने सोचा क्यों बेचारे को इतना तड़पाना, साले को मारी डालूं। गर्दन से पकड़ के छत पे ले गया। मैं बोला चॉइस बोल, चॉइस इज योर्स, तू खुदड़ी मारेगा कि मैं धक्का दूं। बस जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मार दिया, अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे कोई है, अरे मर गया, अरे अरे मर जाऊंगा। दादी जी, ओह माय गॉड, दादी जी को हार्ट अटैक हो रहा है। कोरोना
अरे भाई के बेटे को फोन करो जल्दी। Have you got the gun? It's a .45 Magnum Model TTK with infrared night vision. Shoots 3 rounds per second. Even the world's best police force doesn't have this gun. It's a boon to global terrorism. Good weapon. Thanks. ये गद्दारी है। क्या कहा? इस सामान का सौदा आपके पिताजी और गुरु गुलाब खत्री किसी और के साथ कर चुके हैं। दोबारा इसका सौदा करके आप सेठ जी को धोखा नहीं दे सकते। कौन रोकेगा मुझे? सेठ जी का नमक। Take this pistol and leave the country. सर आपको ये गोली खानी पड़ेगी। गोली? जी। अबे तू मुझे गोली खिलाएगा? गोली तो तुझे खानी पड़ेगी डॉक्टर। अगर मैं मर गया मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वकील। अरे सर ये पिस्तौल थोड़ा दूर रखिए वरना मुझे भी आपके साथ लेटना पड़ेगा। फोन, फोन। मैंने फोन आपके बेटे को कर दिया है, वो आता ही होगा। अबे कम अकल, मेरे बेटे को नहीं मेरे दामाद को फोन करने को कहा था। मेरा बेटा तो गधे की औलाद है। जी आई एग्री। मेरी बेटी का पति वो तो हीरा है, कहाँ है मेरा दामाद? गुरु, गुरु कहाँ है? सर इस गुरु गुलाब खत्री। गेट हिम। Okay.
हेलो गुरु भाई, बाबूजी को हॉस्पिटल लेके गए, अब जल्दी आइए। बाबा, ये क्या हुआ बाबा? हो गया बेटा, देखो वक्त बहुत कम है, तुझे एक बात बतानी है जो आज तक मैंने छिपाए रखी। क्या बात है बाबा? पिछले साल मैंने अमेरिका में एक डील की थी, उसमें 1,000 करोड़ के डायमंड मिले और मैंने और आपने क्या बाबा? मैंने गांव के खेत में आम के पेड़ लगाए। अरे आम को छोड़ो, डायमंड्स का क्या हुआ? छोड़ो नहीं, सड़ जाएंगे। हीरे सड़ जाएंगे? अबे गधे, हीरे नहीं, आम सड़ जाएंगे अगर पेड़ से नहीं उतारे। अरे मैं सारे पेड़ों से सारे आम उतार दूंगा, हीरो का क्या हुआ? हीरो का हीरा क्या गाय थी गांव में, 10 लीटर रोज दूध देती थी, जब ठुमक ठुमक कर चलती थी तो सारे गांव के बैल उस पर मरते थे, उसका स्मारक बनाना। अरे डायमंड का बना दूंगा, दिमाग मत चाटो। चाट मसाला तो तेरी माँ बनाती थी, उंगलियां चबा जाता था जब वो अपने हाथों से मुझे खिलाती थी। बाबा 1,000 करोड़ के डायमंड्स कहाँ छुपा रखे हैं बताओ? डायमंड्स बाबा, बेटे डायमंड्स वो अमेरिका के बैंक में मैंने 75 रुपए के 75 रुपए के डायमंड्स 75 रुपए वो लक्ष्मी लॉन्ड्री को दे देना और मेरा सूट और धोती ले आना। अरे धोती छोड़ो, अगर तुम्हारी सांस अटक गई ना तो मैं सारी उम्र धोती भटका रहूंगा। डायमंड्स कहाँ है? डाई मंड्स कहाँ है? मरने से पहले मेरे बाल डाई कर देना, आई वॉन्ट टू डाई यंग। डायमंड्स कहाँ है विक्रांत? डायमंड्स कहाँ है? बाबा
बल्लू बोल बचन उर्फ बाबा बलदेव प्रसाद बंडीपुर वाले ने मरने से पहले जो अपना वसीयत नामा बनाया है वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। अच्छा, अभी वसीयत नामा कुछ इस तरह है। बाबा ने अपनी सारी दौलत अपने बेटे विक्रांत, मुंह बोली बेटी प्रीति और दामाद गुरु गुलाब खत्री के बीच तीन हिस्सों में बराबर बराबर बांटी है। वसीयत के मुताबिक बाबा ने 1,000 करोड़ रुपए के हीरे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की न्यूयॉर्क बैंक में जमा किए हैं और आप तीनों एक साथ पर्सनली दस्तखत करने के बाद ही ये हीरे बैंक से निकाल सकते हैं। अगर तीनों में से किसी एक की मौत हो जाती है तो दो लोगों के दस्तखत होंगे और तीसरे का डेथ सर्टिफिकेट। तीन में से दो की मौत हो जाती है तो एक दस्तखत और दो डेथ सर्टिफिकेट्स। और अगर तीनों की मौत हो जाती है तो इन सारे हीरों का मालिक होगा चंपक लाल। ये चंपक लाल कौन है? उसका एड्रेस दे, भी खत्म कर डालता हूं। अरे अरे, कैसे खत्म कर दोगे भाई? मैं ही हूं चंपक लाल, एडवोकेट चंपक लाल चेला रमानी। तू है चंपक लाल? साले वकील, ये जरूर तेरी को चाल है। क्या कर रहे हो? पहले मुझे छोड़ो, पहले ये वसीयत का आखिरी पॉइंट तो सुन लो। बक क्या आखिरी पॉइंट? वसीयत के मुताबिक अगर तुम तीनों के पहले मैं मर गया तो ये सारे हीरे पशुपालन ट्रस्ट में जाएंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा किसी को मैं अगर मर गया तो। प्लीज थिंक अबाउट इट। जब भी डायमंड लेने अमेरिका जाना हो मुझे बता देना, गुरु पहुंच जाएगा। पहुंचा दूंगा, ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां से तो कभी वापस ना सके। हेलो। हेलो गुरु, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? गुरु, हमारी शादी एक समझौता है जो हमने डैडी जी की खुशी के लिए चुपचाप अपना लिया। शादी के मंडप के बाद हम आज तक नहीं मिले हैं। पति पत्नी का रिश्ता तो क्या, हम तो अजनबी हैं। अब डैडी जी नहीं रहे तो मैं इस खोखले रिश्ते को खत्म कर देना चाहती हूँ। हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे डाइवोर्स क्यों चाहती हो। विल में एक तिहाई डायमंड का हिस्सा डैडी जी के दामाद का है, यानी कि मेरा। डाइवोर्स के बाद ना मैं तुम्हारा पति रहूंगा ना डैडी जी का दामाद। अब मेरे हिस्से के हीरे पर तुम और विक्रांत कब्जा कर लोगे। मुझे डायमंड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शट अप। प्लीज मेरी बात तो सुनो गुरु। ये अब मुझे कैसी उलझन में छोड़कर चले गए हैं डैडी जी। एक तरफ मेरा सौतेला भाई जो सारी जायदाद हड़प लेना चाहता है, और एक तरफ गुरु, उसे तो ये भी नहीं पता कि विक्रांत उसकी जान के पीछे पड़ा है।
मौर्य साहब, हमने यहाँ पूरी सिक्योरिटी टाइट कर दी है, वो यहाँ से बचकर जा नहीं सकता। जी सर। अरे सुनो, मोबाइल लाइटर चिल्लर विल्लर कुछ है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप सरेंडर करो। खत्री ने कल रात गृह मंत्री मणिशंकर शर्मा की गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी जब वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के सेमिनार का उद्घाटन कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने सारे शहर को रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। शहर से बाहर जाने के सारे रास्ते सील कर दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, सारे चेक पोस्ट, शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस का दावा है कि कुछ ही घंटों में वो गुरु गुलाब खत्री को जिंदा या मुर्दा धर दबोचेगी। यहाँ दिल्ली में गृह मंत्री की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। हेलो। हेलो नहीं, हेलो। हिल गया ना गुरु की आवाज सुन के। मुझे फंसाना चाहता था ना। मुट्ठी भर डायमंड के लिए तूने गुरु को मारने की कोशिश की। अब तू अपनी मैयत खुद सजा, क्योंकि गुरु जानता है तू कहाँ है, लेकिन तू नहीं जानता कि मैं कहाँ हूं। गुरु बच गया साला। सर मैंने पहले ही कहा था, क्राइम नेवर पेस। शट अप। बचेगा नहीं वो,
ढूंढ निकालूंगा मैं उसे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई तो उसका पता बताएगा। जाने जाना इन आंखों ने लूटा मुझे। मेरी जान मेरी जान मेरी जान, दिल दिया तुझे आहा, दिल दिया तुझे। जाने जाना इन आंखों ने लूटा है मुझे। मेरी जान मेरी जान मेरी जान, दिल दिया तुझे आहा, दिल दिया तुझे। जाने जाना इन आंखों ने लूटा है मुझे। उठती हो ना तो मैंने सोचा कि 12 बज गए। Come on, honey. पता है आज सुबह मम्मी ने मुझे कितना डांटा? क्यों? कल रात भी हम लोग अलग-अलग कमरे में सोए थे ना, है ना? तुमने बताया नहीं तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं तो? तो फिर कल रात तुमने कपड़े क्यों नहीं सुखाए? कपड़े धोते धोते 2 बज गए, कब आग लगी पता ही नहीं चला। आई लाइक दैट। तुमने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया, क्लिनिक में लोगों के दांत तोड़े, घर में झाड़ू पोछा लगाया, बर्तन धोए, कपड़े धोए, खाना पकाया, तब तुम्हारी आंख नहीं लगी? बस 5-6 बाल्टी कपड़े क्या सुखाने थे कि तुम्हारी आंख लगी? कल तुमने लोगों के दांत तोड़कर जो डॉलर्स कमाए मेरे तकिए के नीचे क्यों नहीं रखे? ओह
नो डार्लिंग, आई एम सो सॉरी, मैं तो एकदम भूल गया, आई स्वेर आई एम सो सॉरी। ये आग पता नहीं कब लग गई, क्यों लग गई, कहाँ लग गई, मैं इतना थका हुआ था कि मैं तुम्हें पैसे देने वाला था। डार्लिंग आज ना मुझे $20 की सख्त जरूरत है। $20? डार्लिंग मैं $20 मांग रहा हूँ, 20,000 थोड़ी मांग रहा हूँ, मुझे एक टाइट। ओए मॉर्निंग मॉर्निंग में जेंट्स का पैसे मांगना लेडीज के लिए बहुत बुरा बैड लक होता है। मम्मी जी मेरा बैड लक तो तभी सुधरेगा जब मैं एक नई टाई लूंगा। व्हाट? नई टाई? अभी 12 महीने पहले जो टाई ली थी उसका क्या किया, खा गए क्या? हाँ? खाना क्या, वो तो देखने लायक भी नहीं है। हाउ डेयर यू, वही टाई तुम्हारे ससुर ने 25 साल पहनी है, उन्होंने तो कभी कुछ भी नहीं कहा, और आज वही टाई तुम्हें सिर्फ 12 महीने में पुरानी लगने लगी। I tell you, कल उठ के तुम्हें मैं और मेरी माँ भी पुराने लगेंगे, हमें भी पता डालोगे। Of course. What? Not. Of course not. विश्वजीत, ओली विश्वजीत, ले हाँ पढ़िए, विश्वजीत, हाँ बोल, ये इसमें तो कौन सी साड़ी पहननी है, हैं? पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी, इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो? अरे भाई कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि इसमें ना कौन सी साड़ी को इस्त्री मारनी है। डार्लिंग विश्वजीत, परमजीत। कौन परमजीत? मेरा नाम परमजीत है जिससे तुमने शादी की है। अभी अभी सोना बेटा तुम्हारी बात को बोलो ना। अच्छा क्या बात बात में चिल्लाते रहने का है? ओहो डैडी मेरा नाम सोना नहीं मोना है। ये साड़ी की उलझन में मैं इसका नाम भी भूल गया, परिमल। डैडी जी मेरा नाम परिमल नहीं अनमोल है। ए यार तेरे को क्या हो गया चुनीलाल? मणिलाल। कौन मणिलाल? तोड़ा नाम मणिलाल है, मणिलाल पटेल। ये नाम मैंने कब रखा? बचपन से। बचपन से? बचपन से मेरा ये नाम है, और मुझे अभी बताती हो तुम? ले अभी 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 मैं याद रखूंगा, मेरा नाम मेथीलाल है बस। ओ जीसस। जीसस? अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथीलाल है, अभी जीसस की डाउट। गेट आउट, जाओ जाके नाश्ता बनाओ वरना मैं तुम्हें काट खाऊंगी। आज मत काट रहा हूँ, अभी कल का जख्म पूरी तरह भरा नहीं है, चल ना भाई। जीजा जी चल ना। जीजा जी नहीं, मैं आपका दामाद हूँ। वो तो बाहर ना, घर में तो हम दोनों नौकरी है ना, चल चल। फ्रांसीसी छात्रों ने प्रदर्शन किया। कहाँ फंस गया मैं, ग्रीन कार्ड के चक्कर में शादी की और अब ग्रीन सब्जियाँ काट रहा हूँ। अब कुछ खबरें भारत से। खतरनाक माफिया सरगना गुरु गुलाब खत्री, जो कि स्वर्गीय गृह मंत्री श्री मणिशंकर शर्मा की हत्या का प्रमुख आरोपी है, अब तक लापता है। लोगों को प्यार से कॉफी पिलाने के बहाने उनकी हत्या कर देने वाला मशहूर गुरु गुलाब खत्री अपने दुश्मन गिरोह के माफिया डॉन विक्रांत के साथ भी दगाबाजी कर चुका है, इसलिए अब विक्रांत ने गुरु गुलाब खत्री की जानकारी या उसका पता बताने वाले को 2 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं की गई है। अब कुछ खेल समाचार। डैडी जी आपने देखा, 2 करोड़ का इनाम? अरे भाई तू जल्दी से नाश्ता डाइनिंग टेबल पे नहीं पहुंचाएगा ना तो वो 2 गुंडी हमारी मुंडी पे इनाम डिक्लेयर करेगी, वो भी $2 का। चल चल जल्दी चल, और चाय ले क्या, चल। डैडी मेरे लिए अमेरिकन चॉप सुई बनाना। मैं नहीं बनाऊंगा। हाँ क्यों नहीं बनाओगे? मेरे को $50 चाहिए। क्या हम खाना खाने के पैसे नहीं लेते, तुम्हें खाना बनाने के $50 चाहिए? माता जी मेरे को ये सब खरीदना पड़ेगा ना, भाजी वेजिटेबल उसका चाहिए, खाना बनाने का मैंने अभी तक मांगा है। पिछले हफ्ते $50 दिए थे, उसका हिसाब नहीं दिया अब तक? भाई दे दूंगा। अरे हिसाब देना कोई खाने का काम नहीं है, सब साला सोच के करना पड़ता, फिर घोटाला हो तो तुम ही मुझे काटने को दौड़ती हो यार। अभी देख आज तू मुझे $50 देगी ना, है ना, तो उसका है ना मैं टोटल हिसाब साथ में दे दूंगा। ओके शाम को हिसाब दे देना। दे दूंगा ना, घर के बाहर नहीं निकलना है मुझे। चल भाई तोल मोल। तोल मोल नहीं अनमोल। ओ चल भाई चलो दामाद जी, चल चल चल, क्यों ऐसा मुंह लटका के खड़ा है, हाँ चल दांत तोड़ने नहीं जाना, चल आजा। क्या हुआ है, क्यों उदास खड़ा है? सोच रहा हूँ कि खुशी की तलाश में अमेरिका आया था और मिले तो इतने सारे गम, इस जिल्लत की जिंदगी से परेशान हो गया हूँ डैडी जी। मैं सब समझता हूँ भाई, सब समझता हूँ। दिन भर क्लिनिक में काम करते रहो, एक एक डॉलर जमा करके मम्मी जी के हाथ में रखो, फिर भी नौकर से बदतर जिंदगी। मैं तो सोचता हूँ मौका मिलते ही इंडिया भाग जाऊँ। अरे भाई मौका तो मैं भी 25 साल से ढूंढ ही रहा हूँ ना, लेकिन ये सत्यजीत ने पासपोर्ट दबा के रखा है। कौन सत्यजीत? ये तेरी सास, मेरी बीवी। ये साली गलती मेरी है ना, मैं उससे शादी करता ना मेरे को बेटी होती और ना तू उदास होता।
ये ले $20 रख। $20? तूने अंदर मांगा था ना, रख ले। लेकिन लेकिन आप, अरे मैं तो सब्जी के हिसाब में झोल झाल कर डालूंगा ना। सब्जी लेने में 20 मिनट जाती है और हिसाब लिखने में 3 घंटा। और वो पेंट लेने का भूलना नहीं हो, फर्स्ट क्लास पेंट ले लेना। चल आजा आजा आजा, मुझे बनिया की दुकान पे छोड़ दे तो काटेगी मेरे। Hello, Dr. Anmol's Dental Clinic. May I help you? Sorry, no appointment before 2 weeks, honey. Bola na, bankas kare le kya? Tera appointment kab milega, Raja? I love you, my favorite Don. I love you. Tina, stop it! Ye kya kar rahi ho tum? Oops. अरे बाबा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि डेंटल सर्जरी की कोई किताब पढ़ो, लेकिन तुम तो एक गुंडे मौलवी की फोटोग्राफ्स कलेक्ट करते रहती हो। कैसा अजीब शौक है ये? शौक नहीं है सर, पैशन है, ऑब्सेशन है, इमोशन है, बोले तो मोहब्बत है सर। अरे मेरी माँ बड़ी मुश्किल से मेरी क्लिनिक सेटल हुई है, एक एक करके इन पेशेंट्स को अंदर भेज देना, आज मुझे जल्दी जाना है। आज बहुत बुरा दिन है। डॉक्टर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हमेशा टेंशन में रहते हो। मेरी बीवी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। सो व्हाट डॉक्टर, नाक काट कर फेंक दो। क्या? आई मीन वाइफ को कल्टी दे दो। कल्टी? कल्टी बोले तो डाइवोर्स दे दो। ये वो मुझे डाइवोर्स नहीं देगी। क्यों? वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुमको टच नहीं करने देती, तो फिर शादी क्यों की? यहाँ अमेरिका में आदमी कहाँ मिलते हैं घर का काम करने के लिए, और अगर मिलते भी है तो पैसे कितने लेते हैं? ओह ये, और मोना ने धमकी भी दी है कि अगर मैंने डिवोर्स की बात सोची भी तो वो आधी खुदकुशी कर लेगी। What? Half suicide? What do you mean by that? लोग मरने के लिए 30 गोलियां लेते ना, वो 15 गोली लेगी और पुलिस के नाम चिट्ठी लिख देगी कि मेरे सुसाइड की वजह मेरा पति है, यानी मैं। वो खुद भी नहीं मरेगी लेकिन मुझे मार डालेगी। Oh, so sad. यानी तुम्हारी हालत धोबी के कुत्ते जैसे हो गई, ना इंडिया के रहे ना अमेरिका के हुए। सचमुच पता नहीं कब तक मैं और मेरे भोले ससुर अपनी अपनी बीवियों के पल्लों से लटकते रहेंगे। Don't worry, doctor. Every dog has his day. क्या मैं कुत्ता हूँ? अरे तू सुनता नहीं है, हैं? इधर कचरा नहीं डालने का। कमाल है यार, तू कचरा नहीं डालने का इधर समझता नहीं है तू? ये मेरा गला बैठने को आया है? तू क्या कान दुकान पे बेच के आया है साला बेहरा, इधर कचरा नहीं डालने का? ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। हाँ, ये गुलाब वाला तेरा नाम क्या है? Listen gentlemen. Listen gentlemen? ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता इधर कचरा नहीं डालने का। I'm sorry. अबे sorry क्या? इंडिया समझा? हाँ, गुना करो, sorry बोलो। क्या हुआ बड़ी जी? अबे ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं थकी गया। इधर कचरा नहीं डालने का, इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना। वरना क्या? अबे ये वरना ने वाउना, बोल देता हूँ मेरा दिमाग एक बार घूम गया ना, हाँ तो बिना सबू के धो डालूंगा। अच्छा एक तो गंदा करता ऊपर से अच्छा बोलते तू, हैं? मेरा दिमाग गरम हो गया ना? मैंने उनको टीवी पर देखा, अबे टीवी हो या बाथरूम, मेरा दिमाग गरम हो गया ना? डैडी जी, इनके सर पर 2 करोड़ का इनाम है, ये इंडिया के अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन है। अंडरवेयर हो के जान गया हो, डॉन है तो क्या? डैडी जी, यही गुरु गुलाब खत्री जो लोगों को कॉफी पिलाकर मार डालता है, यही वो डॉन है। ये डॉन है? हाँ, बहुत बड़ा ये डॉन। तू उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? नहीं, मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। ये क्या, तुम पहली बार आया ना इधर, बोलना चाहिए ना, पड़ोसी है ना। डालो इधर कचरा, डालो इधर, हम भी इधर ही डालते, इतना अच्छा जगह छोड़ के किधर डाले, डालो। अनमोल आचार्य, डेंटिस्ट, कभी भी दाखिला तो बोल देना, बोल देना। और मेरा नाम है, क्या है मेरा नाम? ओह, ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी ये बोला। अब ये मणिलाल? हाँ, स्मार्ट है। वो
वो करे ना, उधर मैं हाउस वाइफ हूँ, अरे अपना हाउस हस्बैंड हूँ, हाँ उधर चाय पीने आ जाना कभी भी, हाँ ओके ओके। चलिए आप आइए हमारे साथ कॉफी पीजिए। किधर? आइए। नहीं नहीं आइए। अरे भाई मेरे को काम है, उधर काम बाद में कर लेना, कपड़ा बर्तन सब धोने के भाई। तू तो आ, मुझे भी काम है। उतरे उतरे उतरे। क्या बात है, कोई तो आ मेरे साथ कॉफी पीने। सब दरवाजा बंद कर दो और खिड़की पे पर्दा लगा दो, लुंगी लटका दो, ये साड़ी नदी पे चिल्ला रहे हो, रंजीत की साड़ी लगा दो पर्दे की तरह। अरे मेरा नाम रंजीत नहीं परमजीत। अरे तू कौन सी भी हार जीतो, बाहरी इनाम से बोलो। मोना, हमारे नेबर में इंडिया का बहुत बड़ा डॉन आया जिसके सर पर 2 करोड़ का इनाम है। अरे इनाम मुझे भी देखने दो। अरे कहाँ जा रही हो, सर पर 2 करोड़ लेके थोड़ी ना घूमता है, मैं नहीं जाने दूंगा। मम्मी देखो अनमोल मुझे देखने नहीं देता। क्या आज फिर से तुमने मेरी बेबी का दिल तोड़ा? मैंने कुछ नहीं किया। तू जा, और अच्छा हो तो मुझे भी बताना। अरे बेबी की बा, वो बायोस्कोप नहीं है, गुंडा है, साला मार डालेगा, समझती नहीं है करमजीत तू। मेरा नाम करमजीत नहीं परमजीत है। तेरा कोई भी नाम हो, गोली नाम देखकर नहीं चलती, घुस जाएगी गले के अंदर। बंद कर दरवाजा, बंद कर। मम्मी जी बहुत ही खतरनाक गुंडा है, कभी भी फायरिंग हो सकती है। सच मुच? हाँ। अभी हम क्या करेंगे? मैं तो बोलता हूँ 2 जोड़ी कपड़ा बांधो, सीधा मुंबई। गुड आइडिया, मैं पैकिंग करता हूँ, तू पासपोर्ट ला, मैं जाकर टिकट निकालता हूँ। हाँ मैं पैसे देती हूँ, अभी के अभी टिकट ला। रुको, टिकट लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी वही बोलता हूँ, बिना टिकट प्लेन में चढ़ जाते ना, टीसी आएगा ना तो उसको $4-5 दे देंगे। हम लोग राजकोट में ऐसा ही करते थे। हाँ? कोई कहीं नहीं जा रहा है। मैं तुम दोनों की चाल अच्छी तरह से समझ गई हूँ। डॉन का डर दिखाकर इंडिया भाग जाना चाहते हो? हाँ? नहीं नहीं, ये तो सच्ची खतरनाक डेडली डॉन है ये। अगर वो डेडली डॉन है तो मैं भी डेडली डायन हूँ, उसमें तो कोई शक नहीं। Shut up! Just go to the kitchen and do your work. इतना अच्छा मौका हाथ से गया। चलो वही हाथ से खाना बनाते हैं। दामाद जी, कितनी लंबी सीढ़ी है यह। दामाद जी, चलो चलो चलो, जल्दी पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन क्यों? अरे भाई ये है ना, मैंने पुलिस के नाम ये लेटर लिखा है, लिखा है। हाँ? जरा देख लेना अंग्रेजी बराबर है कि नहीं है। क्या है ये? मैंने लेटर में लिखा है कि हमारे बाजू में ना इंडिया का बहुत बड़ा गुंडा रहता है, और मेरा साइन देखा, मैंने साइन अजीत के नाम का किया है। कौन अजीत? ले तेरी सासू, मेरी वाइफ। लेकिन डैडी जी ये, जब गुंडे को पता चलेगा ना कि इन दोनों ने ये चिट्ठी लिखा है, तो गुंडा इन दोनों को खत्म कर देगा, और बाद में पुलिस गुंडे को खत्म कर देगी। देखा, एक चिट्ठी है, दोनों की छुट्टी। चल जल्दी किक मार, चल। ये गाड़ी है। हाँ तो हाथ से किक मारना भी लेट होता है। किक क्या, धक्का मारना पड़ेगा, बैटरी डाउन है। बैटरी डाउन है इसका, बोल। कहो तो मैं छोड़ दूं। He is dangerous. हम लोग चले जाएंगे अपने आप। हो भाई अपने आप जाएंगे। हो भाई आइए लिफ्ट दे देता हूँ। लिफ्ट का क्या काम, हम तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, लिफ्ट लेके ऊपर थोड़ी जाना है। हम चले जाएंगे। हो भाई चले जाएंगे, मेरा मतलब है गाड़ी में मेरी। नहीं नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे। 15 तो माइल जाना है, 7:30 ये चलेगा, 7:30 मैं चलूंगा। ऐसे जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन नहीं जाना। पुलिस स्टेशन? नहीं नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाना। ये देखो ना, मेरे को लेटर भी पोस्ट करने का। ये रख अभी संभाल के। नहीं नहीं, आप रखिए, आप बड़े। अरे भाई तू छोटा है ना, तू रख संभाल के गांडा। अरे डैडी जी बड़े ना। लाइए मैं पोस्ट कर देता हूं। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे, हम लोग पोस्ट कर देंगे। क्या बात है, बड़ी जवानी फूट रही है तुम में। कुछ खास लिखा है अंदर? खास क्या, इसमें आपके बारे में नहीं लिखा। खास नहीं, आपके बारे में नहीं। मेरे बारे में लिखना भी मत, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे बारे में लिखे, पढ़े या समझे। समझे? सही बात है ना। देखो हम तो आपको पहचानते भी नहीं, हमको तो मालूम भी नहीं है कि आप इंडिया से आए। क्या जी? और इसको तो ये भी मालूम नहीं है कि आपके सर पे इनाम है, और वो भी 2 करोड़ का। आइडिया है तेरे को? नहीं है, बोलो। चलो क्या है, मेरे बारे में कोई बातचीत करे या कानाफूसी करे, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा खून खौल उठता है। जब मैं पैदा हुआ तो सीधे डॉक्टर को काट लिया था। क्यों क्यों काट लिया, क्यों? चिल्लाने लगा, बधाई हो आपके घर में बेटा पैदा हुआ, बधाई हो आपके घर में बेटा पैदा हुआ, ये कोई बोलने की बात है? काट लिया, मर गया साला। नहीं, 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 अभी मैं काटता नहीं हूं।
अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि गुस्से पे काबू कर लिया। लेकिन आदमी जैसे बड़ा होता है ना वैसे सुधर ही जाता है। अच्छा, अब मेरा बोलता पोपट काटता है। बोलता पोपट? ये तुम्हारे पास पोपट है? ले, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। वाह, दिखाता हूँ। पोपट जेब में रखता है? ते ऐसा जेब में रखता है तो वो चांच नहीं मारता है, है? कर दे या तो अंदर हो तो। ये पोपट नहीं है, है ना? आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। ये चाकू है, चाकू। चाकू? हाँ, इसे क्या है? वो घर में सब्जी काटते ना, ये वो पोपट नहीं है। ये बोलता पोपट ही है। इसकी चोंच अगर किसी आदमी को छू लेना तो वो फटाफट पोपट की तरह बोलना शुरू कर देता है। तुम दोनों मुझे बहुत भोले और मासूम लगते हो, इसलिए मैं तुम दोनों को 3 लाइफलाइन दे देता हूँ। और टाइम प्लेट भाई चौखवट कर लिए। 3 माने इसका 3 और मेरा 3, माने टोटल 6 ना, है? तो समझो नहीं, टोटल 3, डेढ़ तेरा डेढ़ मेरा। क्या हंस नहीं, ठोक से I love your smile. I love your smile. मेरी भी अच्छी है। चलो आओ कॉफी पी। नहीं नहीं नहीं, मेरा उपवास है। मेरा भी उपवास है। आओ ना कॉफी पीते हैं। बाहर आ गए और अंदर ज्वालामुखी है। जाए तो किधर जाए? आइए आइए, आ गए आप लोग। डार्लिंग, आई वाज वेटिंग फॉर यू। लगता है हम लोग गलत घर में आ गए। नहीं नहीं दामाद जी, आप सही घर में आए हो। मुना बेटी, पापा के लिए ठंडा पानी लाओ। नारे ना, मैं तो गर्म पानी से बर्तन धोता हूँ ना, ठंडा नहीं हो। बर्तन धोने के लिए नहीं, पीने के लिए। ये तो ठंडी लस्सी पिला दे। ओहो, लगता है इसमें सती ललिता की आत्मा घुस गई हो। सती ललिता नहीं, सती सावित्री। चलो चलो खाना खा लो, आपको तो भूख लगी होगी ना। अरे भूख तो जम के लगी है, लेकिन पहले खाना बनाना पड़ेगा ना। अभी तो हाथ छोड़ेगी तो मैं चूल्हा जलाऊंगा ना। खाना तैयार है। ये आंसू है? ये है डार्लिंग, कि तुमने दूसरी शादी कब की? बुलाया तक नहीं हमको। ओहो, अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? आओ खाना खा लो। देखो जी, तुम्हारी पसंद का हलवा। हलवा? वो हलवा खाना नहीं हो, वो हलवा खिलाकर ये ब्लैक एंड व्हाइट को जलवा करेंगे। प्राणनाथ, रोज रात को इंडिया जाने का सपना देखते हो ना? एक मिनट, ये प्राणनाथ कौन है? और साला मेरी तरह सपना क्यों देखता है वो? ओहो, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। ये लो तुम दोनों के पासपोर्ट। हमारे? हाँ, और ये लो आपके एयर टिकट। पासपोर्ट। जय खोड़ियार मां, जय खोड़ियार मां। साली हरामखोर, साली कुतरी, कुल्टा। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा मैं खामखा तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ। वाह वाह, ऐसा प्यार से कभी किसी ने डाइवोर्स नहीं दिया होगा। मैं डार्लिंग, तुम्हारी कैद से छूटने के बाद में इंडिया में जब आजाद घूमूंगा ना, तेरा ही सपना देखा करूंगा। खरे कर, चल भाई पिनबॉल चल। रुको, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रही हूँ, सिर्फ 10-12 दिन के लिए इंडिया भेज रही हूँ। ले आ तो जमानत पर छोड़ रही है। हाँ, वो भी 2 करोड़ रुपए लेकर इंडिया से वापस आना है। 2 करोड़? अभी डार्लिंग, तुम इस उम्र में दहेज मांगती हो? छी छी छी। ओ शट अप, ये देखो, ये तो हमारा एड्रेस है, मालूम है, इधर कभी नहीं आने का है हमको। अरे बाबा पीछे देखो। किधर? ओहो यहाँ देखो। अच्छा इधर, पूरा बोलना यार। ये तो गुरु गुलाब खत्री है। हाँ, और तुम्हें इंडिया जाकर विक्रांत को खबर देनी है कि ये आदमी हमारे पड़ोस में रहता है। नहीं, हम लोग ये काम नहीं करेंगे। तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं, हम लोग इंडिया नहीं जाएंगे। ठीक है फिर, मैं विक्रांत को ये वाली फोटो भेज दूंगी और कह दूंगी कि तुम दोनों ने ही गुरु गुलाब को छिपा के रखा है। मम्मी जब विक्रांत के हाथों नहीं मरना, तो फिर तुम्हें इंडिया जाना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो फिर हमारे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। आधे घंटे में बंगला साफ कर दो, 15 मिनट में बर्तन साफ कर दो, 10 मिनट में कपड़े धोकर प्रेस कर दो, 5 मिनट में रात का खाना तैयार करो, और 2 मिनट में 1 मिनट में हम लोग इंडिया चले जाएंगे। तुम्हारी बुकिंग इंडिया में होटल मेरिडियन के रूम नंबर 502 में कर दी गई है, कल सुबह जाने के लिए तैयार हो जाना। वाओ, इंडिया जा रहे हो?
यानी तुम्हारे सास और बीवी ने तुम्हें आजाद कर दिया? हाँ अरे नहीं नहीं, मैं इंडिया कोई जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। चलो इसी बहाने तुम्हें छुट्टी तो मिली। कहीं हमेशा के लिए छुट्टी ना मिल जाए मुझे। फिकर नॉट डॉक्टर, भगवान तुम्हें इंडिया भेज रहा है तो जरूर कुछ अच्छा ही होगा। ओके बाय। अच्छा सुनो, मेरे जाने के बाद क्लिनिक का ध्यान रखना। ओके। एक विशेष सूचना, भारत का मशहूर डॉन गुरु गुलाब खत्री मुंबई की पुलिस को चकमा देकर। हेलो टीना, भारी छानबीन के बावजूद भी टीना। हेलो, इंटरनेट से मिली ये तस्वीर गुरु गुलाब खत्री की है। खूबसूरत चेहरा, प्यार भरी मुस्कान, समुद्र से हैंडसम डॉन, ऐसे मासूम चेहरे के पीछे खतरनाक माफिया डॉन छिपा है ये कोई सोच भी नहीं सकता। चले आ जा न कालो गले।
मेरा दीदार हुआ है, तीरज करके पार हुआ है, जीना मेरा दुश्वार हुआ है, मैं तुझ पे मरने लगा। फसलार ना धोके वो गुंडे भाई को ढूंढने चले जाते हैं। हमें कोई विक्रांत विक्रांत से नहीं मिलना। तो फिर हमको इनाम कौन देगा? डैडी जी, विक्रांत इनाम तो दे देगा, लेकिन उसके बदले में गुरु गुलाब खत्री को जान से मार देगा। क्या ये सही है? नो भाई नो। तो फिर बीवियों को हम क्या जवाब देंगे? मैंने सब सोच लिया है, वापस जाके बोल देंगे कि विक्रांत मिला ही नहीं। बेस्ट आइडिया ये। इधर 7 दिन रहेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे एकदम। न साला कपड़े धोने का झंझट, न बर्तन मानने का झंझट। रूम सर्विस में फोन कर दे, लेके आओ। फर्स्ट क्लास आइडिया ये। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। लुच्चा हाल 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 हाल। और खर्चा ना हिसाब में डाल देने का, समझा? ट्यूबलाइट ओ लाइट किधर है? ओहो होटल में लाइट न थी। ये क्या है? मेरे ख्याल से पुतला है डैडी जी। लेकिन नंगा नहीं है। ये स्मगलर लोगों का पुतला मैंने पहली बार देखा हूँ। वाह सोना पहने, ये असली लगता है। ये क्या हो गया इसको? पता नहीं। आगे आगे हकलाता है। ये क्या बोला? कुछ नहीं सॉरी, लगता है हम लोग गलत कमरे में आ गए। हाँ चलिए डैडी जी चलिए। सही कमरे में आए ले तुम लोग। ओह तो आप गलत कमरे में आ गए। जा भाई जा जा जा। ए अपन भी सही कमरे में आए ले। लगता है हम लोग गलत होटल में आ गए। हेड ये होटल भी सही है, नाटक ने सीधा खड़े रहो। कमाल है, होटल सही है, कमरा है सही है। तो तुम भी हमारे साथ ही रहने वाले? लेकिन हमने तो भाड़ा 2 ही आदमी का दिया है। एक काम करो, तुम हमको भाड़ा दे दो, इनडायरेक्ट इनकम समझ। हाँ और बाद में इधर एडजस्ट कर लेंगे ना। अभी देखो बात क्या है कि बुकिंग पहले हमने किया तो हम लोग तो 2 आदमी पलंग पे सोएंगे, तुम चादर लेके नीचे सो जाना, समझ गया तुम? अभी व्यवहार का बात हो जाए, थोड़ा एडवांस वगैरह मिल जाए। एडवांस बुकिंग? अबे मुंह की खिड़की बंद कर, नहीं तो तेरे को करंट में हाउसफुल दे डालता हूँ। जानता मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? तुमने बताया नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन है ये तुम? इंडिया के बड़े बड़े भाई लोग हैं ना, अपन को छोटा छत्री बुलाते हैं। छोटा छत्री? छोटा छत्री? छत्री वालों छे। नहीं चाहिए भाई हमको छोटा बड़ा कोई छत्री नहीं चाहिए। बारिश तो है नहीं, अभी छत्री लेके क्या करेगा? अभी छत्री लेकर ना तो मेरे को तो वाइफ को हिसाब देना पड़ेगा। समझ से बात हो, जाओ दूसरी जगह जाके बेचो। अबे कमकल के चाय की पत्ती, अपन इधर से जाने के लिए नहीं, तुम दोनों को उठाने के लिए आए ले। देख भाई ताड़पत्री। ए छोटा छत्री? कौन छोटा छत्री? अरे अपन का नाम है छोटा छत्री। तो उसका क्या? अरे अभी तूने बोला ना ताड़पत्री। मैं क्यों अभी ताड़पत्री बोला? अरे तूने सोचा होगा कि अपन का नाम होगा। क्या तेरा नाम होगा? ताड़पत्री। लेकिन तू तो अभी बोला ना तेरा नाम छोटा छत्री है। अरे तूने बोला ना ताड़पत्री, तो मैंने भी बोला ताड़पत्री। कोई कुछ भी बोले भाई, तू अपना नाम चेंज मत करो, तू उसको फिक्स ही रख।
इधर बाद में बहुत गड़बड़ होता है, तो समझा ना काजू कतरी। ये देखा इसने अंदर से ये निकाला है। अभी घुसड़ूंगा ना तेरा, वो भी निकालूंगा तेरे को, समझा? अभी दिमाग फिर गया ना तो तेरे को तड़ी पार कर दूंगा इस दुनिया से। चल किधर जाने का है? ये डान्ना के पास। Yeah.
ए छत्री, कौन है रे सैंपल लोग? इम्पोर्टेड सैंपल है ना, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क। विक्रांत से मिलने आयो? अरे नहीं नहीं भैया, तो कुछ भी फेंकता है, हमको तो आपका दर्शन हो गया ना हीरा पन्ना, चार धाम की यात्रा थी गई। हाँ चल भाई विक्रांत चल। अबे ओ अन्ना के सामने आका ना, ना कहा नहीं बोलने का, वरना ऐसा छेड़ डालेगा ना, हाथ में सिर्फ वो रह जाएगा। हाँ वो बोले तो। अरे वो रे वो, हाँ वो जो छिलने के बाद छोड़ा होता है ना, वो क्या बोलते है उसको? पेंसिल। अरे नहीं रे, जिसे चूस चूस के खाते और जिसका जूस बनाकर पीते है ना अपन, वो क्या है वो? तरबूज। अबे चुप है, तरबूज। अबे वो रे जो आगे से भी लंबा होता है, पीछे से भी लंबा होता है, आगे से भी जूस निकलता है, पीछे से भी जूस निकलता है, क्या बोलते है उसको? क्या बोलते रे? गन्ना। अन्ना तुम लोगो गन्ने की तरह छिल छिल के छोटा कर डालेगा, समझा ना इतना सा। डैडी जी, इसको भी आप जैसे भूलने की आदत है। ए ना ओ, मैं तो खाली नाम बोलता हूँ, ये तो कुछ भलता ही बोलता है, ये बोलता है तुम भूलता है। ए गुमनाम, चुप चुप चुप। लगता है दोनों बंदरों को पिंजरा दिखाना ही पड़ेगा। चलो क्या, अबे मुंह क्या देखता, चल। छत्रे हाँ, तो इन कबूतरों पे ध्यान रख। हाँ देखता ना, मैं विक्रांत को मिलकर आता हूँ। मरवा देगा यार, ये देखा कितना सरल तारा है, नहीं है? सुसु नहीं करने का गांडा, पानी का रंग पूरा बदल जाए। पुल है, स्विमिंग पूल भावे। चल विक्रांत ने बुलाया, चल। गुरु को तुम लोगों ने कहां देखा था? याद नहीं है। झूठ बोलने की सजा जानते हो तुम लोग? हम क्यों झूठ बोलेगा प्रशांत भाई, हमको तो भाई चुप रहिए। भाई लगता है दोनों की जुबान ऐसे नहीं खुलेगी, मुंह में गरम गरम वो डालना पड़ेगा अपना, वो क्या है? दूध। दूध? अरे दूध नहीं रे, जो गर्म होने के बाद लाल लाल होता है ना, वो क्या है? वो सलिया। सलिया, वो भी उसका ठंडा हिस्सा। ठंडा हिस्सा? तो फिर गर्म कर रहे हैं क्या मतलब है? अरे क्योंकि सलिया का ठंडा हिस्सा अंदर रहेगा तो गर्म हिस्सा बाहर रहेगा, वो निकालेगा कैसा? मगर डालेगा कैसा? वो भी मैं बताऊं क्या? तू जा ले आ जा, जा। खाली बिटर बिटर करता लाता हूँ गरम। ए भाई ओ, वो सुई मत लाना, हम लोग बताते हैं पेड़ा भाई, हम लोग बताते हैं। पेड़ा भाई नहीं, येड़ा भाई बोल। भाई क्या है भाई, वो है ना हमारे पड़ोस में रहने को आया, पहले दिन जब उसने मेरे साथ झगड़ा किया था ना, तभी मैं तो समझ गया था कि ये तुम्हारे लोग की तरह आउटलाइन का आदमी है साला। ये अब लोग आउटलाइन क्या, आउटलाइन क्या? तेरी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बैटरी भाई, हम छतरी बोल, ये पूरा मेरे दिमाग का नस का पूरा बैटरी डाउन कर दे साला। येड़ा, ये दोनों बंदर सच बोल रहे हैं, उसका कोई सबूत? सबूत तो बहुत मजबूत है भाई, देखो एक तो उसका नाम रामू राघवन है और दूसरा उसको है ना इधर उसको गुलाब है। क्या नाम है भाई? वो नाम समझने को जाएगा ना अपना नाम भूल जाएगा। लेकिन भाई ये ठीक बोल रहा है, गुरु को यहाँ निशान देखा है। बहना
इन दोनों ने तुम्हारे पति को देखा है अमेरिका में। तेरी हवा क्यों निकल गई भाई? कुछ नहीं। ईड़ा, तो इन दोनों को लेके अमेरिका जा और वहां जाकर गुरु का गेम बजा डालो। आप 2 करोड़ रुपए तैयार रखना है। नहीं तो सिर वहां जाएगा, उसको ढूंढेगा और मुझे इत्तला करेगा। मैं वहां आऊंगा तो उसको मेरे सामने ढेर करेगा। यहां मुझे बॉडी मिली और वहां तुझे तेरा पैसा। भाई एड़ा अन्ना ने अपनी एड़ी खोपड़ी से एक बार जबान दिया ना तो समझ लो गुरु की वो कट गई। वो क्या रे वो उंगली? अरे उंगली नहीं यार, वो बाल बाल। अरे बाल नहीं, जवाब दे वरना गर्दन काट डालूंगा। गर्दन? हाँ गर्दन। एक बार आप उन्हें जबान दिया ना तो समझ लो गुरु की वो गई, कट गई। भाई वो तो गर्दन तो कटती रहेगी लेकिन हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? हमारे इनाम का क्या होगा संक्रांत भाई? हंसने का चलाओ। ठंड जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कि हमें इनाम से 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। एम हाँ, क्यों? आपने देखा नहीं वो लोग हम पे कैसे हंस रहे थे? मैं तो कहता हूँ सामान बांध के पहली फ्लाइट पकड़ के वापस अमेरिका भाग जाते। अरे ना ना, खाली याद गया तो हमारी बीवी हमको मार डालेगी गांडा। इधर यहाँ मरने से तो अच्छा हम अपनी बीवियों के हाथों से मरे। कम से कम उन दोनों को फांसी की सजा तो मिलेगी। गुड आइडिया हो भाई, गुड आइडिया। कबूतर क्या गुटे रो, क्या चल रहा है तुम लोग का? अरे आप हमको छोड़ के चले गए, आपका रात देख रहे थे। अच्छा गुड नाइट और रेनकोट भाई। गुड नाइट। मेरा नाम छोटा जत्री है क्या? गलत नाम लिया ना तो खोपड़ी में घुसर दूंगा खंजर, समझा? ये चिकने चल कमरे में खेत के चेन, वो तो ट्रेन में होता है ना? चद्दर खेत के सोया चल। हाँ तो हम लोग तो चद्दर खेत के ही सोते हैं। चल भाई चल। ए तू इधर जा रहा, तू चल उधर और तू चल इधर। बाथरूम में? उधर कैसे सोएगा? उधर मच्छर तो बहुत होते भाई, बाथरूम में कैसे? गुड नाइट के मच्छर, मेरे दिमाग पे सवालों का मंजीरा मत बजा। क्या जब तक हम लोग अमेरिका नहीं उड़ते ना तू मेरे साथ रहेगा ताकि ये नहीं उड़े, समझा? क्या नाटक मत कर। चल भाई चल। तू रोज रात को नहीं नंगा नहीं पूरा कपड़ा पहन के सो? नहीं नंगा नहीं, तू नहाता क्या? 2 बार नहाता हूं लेकिन नहाने के टाइम में नंगा होता हूं विनोद भैया। अभी बहुत काम करने का मेरे को, अमेरिका जाके खतरे को भी मारने का, समझा? दिमाग की नस मत फाड़, तू लक्कड़ की पैदाइश है। हेलो हेलो गुरुजी, गुलाब जी, भाई जी। जी गटकर जी। भाई गुरु भाई आपके खतरे में बहुत जान है, भाग आप कहीं दूर जाइए ताकि पता को किसी ना चले। किसी को पता चले ना चले मुझे सब कुछ मालूम है। हा? इस वक्त तो मुंबई के लमेरिडियन होटल में रूम नंबर 502 में है। पता को कैसे लगा? रिलैक्स, अब मुंबई में जो कुछ तू कर रहा है वो मुझे सब मालूम है। अब इतना याद रखना, अब तेरी दूसरी लाइफ लाइन भी खत्म हो चुकी है। हेलो गुरु जी, गुलाब जी, गुलाब जी। इसने मुझे टेंशन दे दिया, अब मैं क्या करूं क्या करूं? भगवान कुछ आइडिया दे, आइडिया। घंटी बजा, घंटी। भगवान आप यहां देखिए, मुझे मुझे गलत मत समझना, मुझे आपके पति को नहीं पकड़वाना था। ये जो गुंडागर्दी है ना, मुझे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मोना की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मोना? मेरी बीवी बदकिस्मती से मुझसे नहीं पैसों से प्यार करती है वो, उससे 10 करोड़ का इनाम चाहिए, मुझे नहीं। मैं तो डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट। देखिए अगर आपको मेरा यकीन नहीं तो आप मेरे ससुर से पूछ सकते हैं। देखिए प्लीज, मुझे खून खराबे से बहुत डर लगता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी इस खून खराबे से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है और इस वसीहत ने हम तीनों को बांधे रखा है। पिताजी ने 1000 करोड़ के हीरों को इतने अजीब ढंग से बांटा है कि गुरु और विक्रांत एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। ओ, अब मैं कुछ कुछ समझा।
मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति को समझाओ कि ना ही मैं उनकी जान लेना चाहती हूँ और ना ही मैं विक्रांत के साथ हूँ। मैं तो अपने हिस्से की हीरे भी उन्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस वो मुझे अपनी जिंदगी वापस दे दे। मतलब? मैं तलाक चाहती हूँ। तुम भी तलाक चाहती हो? मैं भी तलाक चाहता हूँ। हमारी शादी को 5 महीने हो गए और इन 5 महीनों में हमने 5 पल साथ नहीं बिताए। ना कभी उसने मुझसे प्यार किया और ना कभी मैंने उसे। वो तो बस इंतजार में रहे कि कब डैडी चल बसे और कब वो उनकी सारी दौलत हड़प ले। तुम कितनी मासूम, कितनी खूबसूरत हो। हाँ, मुझसे ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं कहा। दरवाजा खोल, छोटा छत्री। दरवाजा खोल। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अबे दूध वाला समझा क्या मेरे को? अरे नहीं, बाथरूम में था। बस नीचे। अरे नहीं, यहाँ मर गया क्या? यहाँ तो जगह ही नहीं है। पर्दा 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 छुप जा, जल्दी कर। अब आओ जल्दी कर। तू जानता नहीं मैं दरवाजा तोड़ दूँगा, तोड़ दूँगा। छोटा छत्री, अबे बागड़ बिल्ले, क्या बिल्ली बेची सो रहा था तू? आप यहाँ? अबे हट, कब से मैं ठोक रहा हूँ? बाहर वाले गुस्से से देख रहे थे मेरे को। कहाँ था तू, कहाँ था तू? बाथरूम में था ना मैं। बाथरूम में था? हाँ, बाथरूम तो इधर है। हाँ, मिरर से भी दिखता ना, मिरर से। मिरर से? मिरर में देख के बाथरूम करता है क्या तू? ये एड़ा मत बनाना मेरे को, बोलता तेरे को। चल साउंड पैक कर, फ्लैट में जाना है मालूम है ना। चल चल चल, साउंड पैक कर, नहीं तो छतरी घुसड़ के खोल दूंगा, बाथरूम भूल जाएगा। चल ये परफ्यूम की खुशबू की स्मेल किधर से आ रही है? वो मुझे तो नहीं आ रही है। अरे नाक का इलाज कर, मेरे को आ रही है वो भी लेडीज परफ्यूम की। कोई छिपी साई थी किधर? वो मैंने लगाया ना। तू? हाँ, लेडीज परफ्यूम। हाँ देख रहा, खुशबू आ रही है। दूर रे, दूर रे, नजदीक नहीं आना भिड़ो बिल्कुल। किसकी है? मेरी है। इसे मैं रात को पहनकर सोता हूँ ना, इसी को तो ढूंढ रहा था बाथरूम में। अच्छा, घुंघरू नहीं बना आज? कैसे ही बातें करते, आइए बैठे ना। चले तो आदमी फुल ऑफ डाउट मालूम पड़ रहा है मेरे को भाई। सामान पैक कर, चल फेस टू फेस सामान। मैं अभी पैक करता हूँ। मैं तुमसे कैसे कहूं? क्या? कल तक इंडिया आने का मेरे पास कोई मकसद नहीं था, कोई वजह नहीं थी। बोले तो तुम्हारे साथ कुछ पल, कुछ लम्हे बिताने के बाद मुझे यहां आने की सिर्फ वजह ही नहीं बल्कि जिंदगी जीने का मकसद भी मिल गया। क्या बात कर रहा है यार? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें तुम्हारी खुशियां वापस दिलाऊंगा। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। चले चुप। तुम्हारी यादों को मैं अपने दिल में रखूंगा। काय को? जब तक मैं तुम्हें अपना ना बना लूं, मैं चैन से नहीं रह सकता। ये ब्रेक मार, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बीच का सामान, नहीं तो गुप्ती घुसड़ के बेहतर को आठ पार करके। तू भाई कल से खपर ही अटका हुआ है। कल लाश कर डालूंगा। हां, पूरा बोल ले। ए तुम दोनों ससुर दामाद हो क्या? तुमको कोई डाउट है दामोदर भाई? ये
दामोदर के छतिंदर मामू समझे क्या तू मेरे को? छोटा छतरी बोलते मेरे को छोटा छतरी। तुम दोनों फुल ऑफ डोट हो, डबल सीट, ससुर दामाद सब समझता हूं मैं। ये आवाज आज पैक कर चल, सामान में बैठ के जाना फटाफट, फ्लाइट में बैठ के जाना है। हाँ, आ गए सिंगापुर। ये सिंगापुर, ये अमेरिका जाने वाले थे ना, क्या लपड़ा कर रहा तू? ए भाई, ये अमेरिका ही है। हाँ तो क्लियर करने का ना यार, मैं पहली बार आया हूँ ना आउट ऑफ मुंबई। अरे आउट ऑफ मुंबई नहीं रे, आउट ऑफ कंट्री बोल, आउट ऑफ कंट्री। लगाई था मेरे को भाई, कुत्ते को तुम लोग आउट ही है। अन्ना भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती बोले तो? मिस्टेक भाई। हाँ मालूम है रे, मिस्टेक। क्या गलती हुई? मैंने मुंबई में से गुरु गुलाब खत्री को फोन करके बता दिया कि मैंने विक्रांत को मिलकर उसका पता बता दिया। अबे क्या बोला तू? येड़ा हो गया क्या तू? अरे भाई छोड़ इसको, ये येड़ा थोड़ी, येड़ा तो आप है ना। येड़ा बोलता क्या? देखिए मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने गुरु गुलाब खत्री को सब कुछ बता दिया। अच्छा किया, अभी वो तेरे को खलास कर डालेगा। विपुल तूने सत्यानाश कर दिया भाई। साला पहला तू मरेगा और उसके बाद में तू। मेरा नंबर? अरे मैं तो बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ भाई, कोई सीधा रास्ता निकालो ना टेढ़ा भाई। कोई ये टेढ़ा भाई ने अपने बॉस का नाम क्या? तू कल बताना भाई, कल बताना, आज थोड़ा अर्जेंट है, कल बताना, कोई रास्ता निकालो ना भाई। मैं क्या बोलता, हम लोग घर में जाकर पलंग के नीचे छिप जाते हैं। अरे उसके पहले वो गुरु गुलाब उधर पहुंच जाएगा, अभी बचने का एक ही रास्ता है, अपन लोग तुम लोग के घर नहीं जाएगा, अपन कहीं और जाएगा। वो अन्ना नहीं है अपने साथ? अन्ना घोड़ा लेने गया है। ओ, तो वो घोड़े पे बैठ के आएगा? अरे घोड़ा छोड़ यार तू, तेरे को राजा अरेचिदर बनने की क्या जरूरत थी? मालूम है गुरु कितना डेंजर आदमी है। अरे तो बहुत अंधेरा है भाई, ये किधर लेके आया तू? हैं, थिएटर में पिक्चर देखने को तो नहीं लाया ना? मैं अभी लाइट ऑन करता हूँ, लेकिन स्विच किधर है छतरी? अरे मेरे को क्या पूछता, मैं रोज आता हूँ क्या? अबे स्वीट ढूंढो ना भाई, स्वीट ढूंढो, स्वीट नहीं ढूंढता है तो। ए, मिल गया स्वीट, रबड़ गया क्या? अबे गेल गागरी ना, तूने जो पकड़ा है ना मेरा नाक का स्वीट नहीं है, नाक दबाता है। क्यों भाई ससुर दामाद, आ गए मेरी सुपारी विक्रांत को देके? अरे भाई खमैया कर मेरे भाई, गलती हो गई भाई। गुरु हमें माफ कर दे, हम बैग गए थे। ए, हमारी घरवालियों ने हमको मजबूर किया था। आज तो टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन कभी बैठ के मेरी कहानी सुनाऊंगा ना भाई, तो तेरी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे चेला भाई। अन्ना घोड़ा संभालना, ये गोली मत चलाना छेड़ा भाई, मत चलाना। ए पट गई या? आप लोग एक दूसरे के दोस्त हो? ये तो अंडरवेयर दोस्त निकले हैं। विक्रांत ने गुरु को खत्म करने के लिए अपन को 2 करोड़ का ऑफर दिया था, लेकिन विक्रांत को खत्म करने के लिए गुरु ने अपन को 5 करोड़ का ऑफर दिया है, समझा? इसलिए हम लोग मिलकर इंतजार करेंगे उसका, आने दो विक्रांत को। ये क्या घुमा है, कमाल किया, आजा इधर, आजा उधर, कमाल का गुरुजी का अभी। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन।
हेलो 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 चिल्ला क्यों रहा है? सुनाई दे रहा है? सॉरी सिट, ये डाना बोल रहा हूँ। हाँ बोल। अच्छा वो तो जोकर लोग की बात है ना, वो सच निकली? वो जो अपना ये है ना गुरु, वो उनके बाजू में ही रहता है। आप फटाफट वो पकड़ के आ जाना। क्या पकड़ के आ जाऊं? अरे अपना वो जो वो है ना अपना। अबे अगर तू फोन पे इशारा करेगा तो कैसे समझ आएगा मुझे? एक मिनट ना सेठ, एक मिनट। ए छतरी इधर। हाँ हाँ। वो क्या जो हवा मुड़ता है ना वो क्या? एक मिनट ना, एक मिनट सेठ। कौवा? अरे कौवा नहीं रे, जो हवा में उड़ता है ना, जो अपुन उड़ाते हैं। पतंग? अरे पतंग नहीं रे, जिसमें बैठ के अपुन उड़ते हैं और अपुन खुद उड़ाते हैं ना। एक मिनट ना प्लेन। हाँ प्लेन 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 सेठ, प्लेन लेकर आ जाना। हाँ तो तूने क्या सोचा था मैं अमेरिका पैदल आने वाला हूँ? चल फोन रख, आगे का प्लान मैं तुझे आके बताता हूँ। अच्छा अच्छा सेठ, अच्छा। मैंने कहा था ना कोई हमें गुरु तक पहुंचा ही देगा, वो अमेरिका में। अमेरिका में? वहां क्या कर रहा है? मेरे हक के पैसे से अय्याशी कर रहा होगा, अपने नाचने गाने का शौक पूरा कर रहा होगा। और क्या तेरा दिल को धड़काना।
आएगा साला विक्रांत आएगा। चूहे की मौत मरने के लिए बिल्ली के सामने तो आएगा ही आएगा। मैं एक बात बोलूं गुरु भाई? एक बात क्यों भाई, दो बात बोल, तीन बात बोल, तेरा मुंह है जितना खोलना खोल, बोल भाई। एक्चुअली मैं मुंबई में आपकी वाइफ से मिला था, वो बहुत प्यारी है। मेरा मतलब है वो नेचर में बहुत अच्छी है। उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। क्या मैसेज है? मुंबई में जो विक्रांत ने आपके साथ किया उसमें उनका कोई हाथ नहीं। और आपके ससुर मतलब प्रीति के पापा के वसीयत के मुताबिक जो 1000 करोड़ के डायमंड आपको प्रीति को और विक्रांत को मिलने वाले हैं उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको आपसे सिर्फ डिवोर्स चाहिए, मतलब तलाक चाहिए। और वो कह रही थी कि अगर आप उन्हें डिवोर्स दे दे तो वो अपने हिस्से के हीरे भी। मेरी बीवी की वकालत मत करना, ना मैं उसे डिवोर्स दूंगा ना उसे छोड़ूंगा, और मेरे पर्सनल मैटर में आना मत, नहीं तो साले यहीं गाड़ दूंगा। ए, छोड़ ना यार, देख बहुत इंपॉर्टेंट काम की बातें करनी है, अब उन तेरे घर चल के डिस्कस करते हैं। चल। नहीं नहीं, तुम लोग मेरे घर नहीं रह सकते। क्यों? अरे विक्रांत का भरोसा नहीं यार, तुम दोनों के पीछे कुत्ते छोड़ रखे होंगे, उसे पता लग जाएगा हम सब एक हैं। तो आप लोग कहाँ रहेंगे? अमेरिका के फुटपाथ पे रहेंगे क्या? इन दोनों के घर पे रह लो जाके। घरे रहवानो समझो, घरे अपना। ओ तुम लोग कहाँ रहते हो? हम लोग शनि भाई के घर के सामने रहते। अबे शनि नहीं, गुरु गुरु। हाँ गुरु गुरु। गुरु कहाँ रहता? वो हमारे घर के सामने रहता है। तामेल तुम लोग कहाँ रहते हो यार? हम लोग आमने सामने रहते। क्यों? इसकी तो मारी बिस्कुट। सोतियो यार, पागल है, पागल है वो। क्या पुलिस की पहचान नहीं है ना, नहीं तो गुस्सा देता इसको। आ गए वापस नरक में। अरे वाह वाह, जो 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 जो। कमाल है ना, कमाल है ना। अरे मैं जहाँ पे अटका हूँ तू कहाँ पे शुरू हो गया? झकास बोल रहा था मैं। अबे झकास है कि कंकास है, तू अंदर जाएगा तो पता चलेगा। क्या बोला? गुजराती में झगड़े को कंकास बोलते हैं, समझा? कोई नौकर वोकर नहीं है क्या सामान उठाने के लिए? हाँ मैं ना भाई, हमारा तो यही काम है, मैं कुली नंबर 1 और ये कुली नंबर 2। चलो भाई दामाद जी सामान उठाओ और डांडिया खेलने को तैयार हो जाओ। चलो आ गए हमारे करोड़पति। चलो 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 जल्दी से करोड़ को पति से अलग कर दो। आइए आइए अंदर आइए। ये दुनिया का सबसे भयानक कोना हमारा घर, और वो है हमारा कमरा। वो ये किचन। हाँ हम लोग तो उधर ही पड़े रहते ना पूरा दिन। वो बाथरूम है, वो अंदर पानी आते ना, ठंडा गरम दोनों। कुछ कपड़ा वपड़ा लाया तो धोने का शुरू कर दो। वेलकम वेलकम। ए रुको, ये क्या हो रहा है? किन भिखमंगों को उठा के ले आयो? घबराना नहीं हो, हमारा तो रोज का है, नवो है ना बिचारो। इटले ए डार्लिंग है ना, मेरा दोस्त है, अभी इंडिया से आया है। क्या क्या नाम है तेरा? चेन वाला छोटा छत्री। और ये है येड़ा अन्ना। हाँ कुछ दिन इधर रहेंगे अपने यहाँ। क्यों रहेंगे? ये क्या कोई लॉज है? हम तुम्हें रहने देते हैं यही बहुत है, समझे? चलो चलो निकलो। डार्लिंग मेरी बात सुनो ना तुम। तुम्हारी बात आज तक मैंने सुनी है? नहीं। तो फिर आज क्यों सुनू? बराबर बराबर। चलो चलो चलो, तुम दोनों अपना अपना सामान उठाओ और चलो निकलो। आउट। अरे जाते हो कि बाहर फेंक दो? ये ए ए थूकते क्या? नहीं, नो स्पिटिंग हियर। थूकता नहीं है, बेचारा हकलाता है। और ये बेचारा गूंगा सिर्फ इशारे से बात करता है। हाँ। अरे तो गूंगे हकले बीमार को यहाँ क्यों लेकर आए हो? जाओ जाकर सरकारी अस्पताल में दाखिल कर दो। जाओ जाओ निकलो। ये कब 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 क्या? अभी इसी वक्त। चलो गेट आउट 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 आउट। ए शानी, जब से बोलती जा रही है सुन लो, इसका मतलब बोलते जाने का क्या? हाँ मुनिस का लियो, इसकी गर्मी का रास्ता छोड़, ठंडी हवा ने दे, चल। शट अप शट अप। तू छोटा छतरी के सामने चिल्लाने का नहीं समझा क्या? हाउ डेयर यू, मेरे मम्मी के साथ ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ए मैडम,
वो तो गया तेरा डमडम चुप बैठने का, पना तेरी खोपड़ी में है ना वो वो वो, वो क्या है इसके खोपड़ी में भेजा। अरे वो तो लेडीज के खोपड़ी में होता ही किधर है यार, वो क्या था वो जो रावण के दस दस खोपड़ी में था ना, जो राम ने निकाल के भरता बनाया था, वो क्या था? घमंड। घमंड उतार देगा अपुन एक सेकंड में। देखती क्या है, अब उन दोनों नहाने को जा रहे, उसके पहले अपन को गरम गरम मसालेदार चाय चाहिए, समझी ना छोटे। चल एक रे लिए। अन्ना ये गुरु और विक्रांत हजार करोड़ के हीरो की ट्रॉफी घुमा रहे हैं और अपने हिस्से में सिर्फ 5 करोड़ का चिल्लर। ये देख अब उन्होंने जो गुरु को वादा किया ना वो फाइनल, अब उनको 1000 करोड़ के हीरे में कोई इंटरेस्ट नहीं। वाह वाह अन्ना वाह, अरे आज जबान की कीमत है, अरे एक नई चीज आपसे सीखने मिली है, अरे आपके जबान पे तो मैं करोड़ों की लोबान जला दूं अगर हुए तो। नहीं वाह, अरे वो क्या बात है, वाह वाह वाह। 1000 करोड़ के हीरे में अपन का कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ एड़ा का इंटरेस्ट है। खाओ लड्डू खाओ, हमने अपने हाथों से बनाया है, खाओ और जल्दी से बताओ 2 करोड़ रुपया कहाँ है। मोना दरअसल बात यह है कि पहले लड्डू खा लेना भाई। बताने दो वरना मुंह में हाथ डालकर खाया हुआ लड्डू निकाल लेंगे। कुछ नहीं होगा, एक बार हिम्मत करके खा ले। परमजीत है पता ही था, इतना अच्छा लड्डू बना रही हो है ना? अब लड्डू को छोड़ो और करोड़ों की बात करो। मम्मी जी एक्चुअली 1 करोड़ रुपया तो क्या, हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। क्या? हाँ गुरु गुलाब खत्री की खबर देने में हम फंस गए हैं। सारा इनाम का पैसा येड़ा अन्ना को मिलने वाला है। क्या इनाम के रुपए उन दोनों को मिलने वाले हैं? इनाम के रुपए उन दोनों को मिलने वाले हैं। हमको तो लड्डू मिल जाए उतना काफी है बस। ए लड्डू को हाथ मत लगाओ, रखो प्लेट में रखो और जाओ दोनों मेहमानों के लिए नाश्ता बनाओ, जाओ किचन में चलो। बोला था बाद में बोल, लड्डू खाने के बाद में बोल, पहले बोल दिया। इतना पैसा खर्च करके इंडिया भेजा, 1 रुपए का काम नहीं किया, जाओ। बेबी घर में मेहमान है, उनका ख्याल रखोगी ना? ऑफ कोर्स मम्मी, ये भी कोई पूछने की बात है। डॉक्टर डॉक्टर ओह माय गॉड, क्या हुआ डॉक्टर? व्हाट्स द मैटर, इज एनीथिंग रॉन्ग? नथिंग। तो फिर ये सब क्या है? क्या बताऊं टीना, मैं तो पागल हो गया हूँ। जब से वो अंडरवर्ल्ड डॉन गुरु गुलाब खत्री मेरे पड़ोस में रहने लगा है ना। क्या? अंडरवर्ल्ड का डॉन गुरु गुलाब खत्री तुम्हारे पड़ोस में रहने आया है? तो क्या मैं हिब्रू में बोल रहा हूँ? और वो तो मेरे को आज बता रहा है। अरे डॉक्टर, he's my dream man. Come on, come on. अरे अरे टीना क्या हुआ? जल्दी आप को मीटिंग, come on. मेरी बात सुनो टीना, मेरा क्या रे घर है कि धर्मशाला? जहाँ घंटी देगा धनाधन बजाने का क्या? बिजली का बिल तेरा ससुर भरेगा? नहीं नहीं मैं तो इन्हें मिलवाने आया था। क्या डॉक्टर है दलाल है तुम? ऐसा सब कुछ करेगा नहीं बेटे, समझे? चल वन टास्क की गोली ले यहाँ से। क्या हुआ? बस क्या बिड़ू, तेरे को मिलने को आई, टपकाने को नहीं। कौन है रे ये गरम केटली शिमला मिर्ची? ये है मेरी सेक्रेटरी और जानती हूँ, उम्र 10 साल। 10 साल है? साला लगता नहीं हो 10 साल का। 10 साल की उम्र में गांधीधाम एक्सप्रेस में हारमोनियम बजाता था, राइट? वो भिखारी था? ये साला सब भीख मांग मांग के कमाया है, है? कौन सी ट्रेन में मांगता था ये? हारमोनियम की पेटी में दारू की स्मगलिंग करता था।
मुंबई से गुजरात, गुजरात से मुंबई, राइट? आथर रोड जेल, 2 साल की सजा, 2 महीने में जेलर की जूते पॉलिश करने के बहाने उसी की कान उसी की खोपड़ी पे टिकाकर फरार, सलीम तलवार, पिंडी बाजार, पिंडी काटने की छुरी से हूल देकर तरी पार कर दिया। ये बहुत बोल रही हूँ भाई, ये मीना फटेगी आज। टीना। कौन टीना? मेरी सेक्रेटरी टीना। हाँ तो उसका क्या है? पराठा गली का डॉन बाबू बाटली, जिसे तुमने दिन दहाड़े हसीना तालाब तक दौड़ाया, वो भी बिना कपड़े। नहीं, चप्पल पहनी थी उसने। Yeah, और फिर तुम उसी एरिया के डॉन बन गए। कौन हो तुम? कहां से आई हो? अंदर आओ ना। तेरे दिमाग में मेरा पूरा बायोडेटा छपेल है। कसम से तू बहुत डेंजरस लड़की है यार। ये ले, फ्रेंडशिप का टोकन रख अपने पास। ए बिड़ू, ये तो वही छोड़ा ना जो तूने बाबू बॉल पेन के मुंह में थर्मोमीटर की तरह रख दिया था। ये वही चे, तू रखना रे। थैंक्स। बहुत प्यारा, तेरे को बंदूक से मैं देखा। टपोरी और बंदूक तेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। माँ बाप कुछ बोलते नहीं क्या तेरे को? माँ तो बचपन में ही टपक गए और डैडी 10 साल पहले लुट के। इनफैक्ट माई फादर वॉज इन द सेम प्रोफेशन। तुमने कभी चुमन चप्पू का नाम सुना है? तू चुमन चप्पू की बेटी? हाँ। तू चिमन चप्पू की बेटी है? हाँ। इधर आ। चिमनिया तेरा बाप है? भैया, आ चिमन चप्पू नहीं छोकरी है? ओहो, तो फिर ये तो खानदानी गुंडी है भाई। उसने तो मेरे को चप्पू चलाना सिखाया, वही तो मेरा गुरु है। मेरा बाप तेरा गुरु? अब तू बन जाना उनका गुरु। गुरु दक्षिणा, जाते वक्त दरवाजा बंद करते हुए जाना। जी हाँ, चौकस चौकस। क्या कर रहे हो आप डैडी जी? वो जाने को बोल रहे हो और आप पी रहे हो? चलो जल्दी करो, चलो yeah? चलो। सॉरी सॉरी हो भाई, तो तुम दोनों भाई बहन बैठ के बात करो, हम लोग निकलते हो। चल भाई मिल जो। जी मैं आपके लिए गर्म दूध लाई हूँ। पहले तू पी। जी तू पी, तू तू पी। पहले तू पी। जी पहले तू पी। हंसते क्या है? थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए ना। आधा आधा मैं, धीरे धीरे तुम, मैं धीरे धीरे, सिस्टम नहीं मालूम क्या? थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए ना। केक माला चढ़ के जाने का ऐसे एनिम इन पेरिस, सीधा टेरिस।
पूरा पी लिया, मैं क्या पीऊं, क्या पीऊं बोलो। तूने सांप को दूध पिलाया है ताकि उसका जहर और मीठा लगे। जिसे हंसना रोना है वो प्यार करे, जिसे पागल होना है वो प्यार करे, और जिसे पाना खोना है वो प्यार करे। हर सितम जो सहे, दर्द गम जो सहे, मेरी जान वो प्यार करे। जिसे हंसना रोना है वो प्यार करे, जिसे पागल होना है वो प्यार करे। हर सितम जो सहे, दर्द जो सहे, मेरी जान वो प्यार करे। जिसे हंसना रोना है वो प्यार करे, जिसे पागल होना है वो प्यार करे। इसमें तन्हाई है। जिसे ख्वाब संजोना है वो प्यार करे, ओ जिसे पागल होना है वो प्यार करे, जिसे पाना खोना है वो प्यार करे। हर सितम जो सहे, दर्द गम जो सहे, मेरी जान वो प्यार करे। जिसे हंसना रोना है वो प्यार करे, जिसे पागल होना है वो प्यार करे, जिसे पाना खोना है वो प्यार करे। गुरु, कल काला कौवा सफेद बगुले पे सवार होकर उजाले में ही उतरने वाला है। काला कौवा अकेला है क्या? नहीं भाई, कौवे के साथ मैना भी है।
आने दे दोनों उल्लुओं को, देखते अपन। हाँ। मैं समझ गया, तुम लोग ऐसा अलग अलग पंखी भेगा करके चिड़िया घर खोल दो, है ना? ए तू चुप ना यार, तू चुप ना, काय को बोलता है तू? एड़ा हवा में जल डाल, दोनों पंछी को पकड़, उनके पंख काट और लोकल म्यूजियम में जाके स्टैंप लगवा दे। आप बेफिक्र रहो भाई, आप समझो कि पंछी के पर पे स्टैंप स्टैंप लग गया, समझो बस। मटके में पंख दिखा के कांच के टुकड़े लेकर अपन हवा हो जाते भाई। ये लोग ऐसा किधर उड़ने का बात करता है? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तेरे को मालूम नहीं है? मेरे को क्या मालूम है, मैं आला गलत आदमी को पूछता हूँ। अरे डॉक्टर, ये टपोरी कोडवर्ड लैंग्वेज है ये। Well, they said, कौवा यानी विक्रांत एंड मैना मींस कौवे की सिस्टर, दोनों अमेरिका आ रहे हैं, दोनों का लंच करा के सुमड़ी में डिनर कर डालेंगे, समझा? समझा क्या बोली है? पार्टी है और पार्टी में लंच और डिनर दोनों है ना? ए भूली बिसरी पार्टी, इससे पहले को दोनों इधर आवे अपन दोनों को हार पहना डालेंगे। हाँ तो पहनाओ ना, मेहमान का स्वागत तो करना ही चाहिए ना। लेकिन भाई तू कौन सा पहनाएगा? देख गुलाब मोगरा चमेली, क्या इधर अमेरिका है, इधर एडवांस में बोलना पड़ता है। अरे यार, तो वो हार नहीं। हाँ। अरे मरने के बाद चंदन का हार पहनाते ना, वो हार की बात कर रहा हूँ, समझा? मुझे कैसा पता चलेगा, मैं तो अभी तक मरा नहीं हूँ ना। तो मरने के बाद देख लेना तू। हाँ वो बराबर, ये मरने के बाद कैसा देखूंगा मैं, बात करता है तो मैं मरूंगा जब, देख देख देखना। तो तू अभी कभी मरेगा? ये बच्चे को मार के मरूंगा। चलो हम दोनों मर जाएंगे, हम दोनों हार कैसे देखेंगे भाई? अबे छत्रे खड़ा गन्ना बुला रहा है। पंकज बांध, कह रहे इंक्वायरी काउंटर खोला मैं। हाँ इंक्वायरी काउंटर खोला इधर मैं। कितना आइटम है तुम लोग? मेरा काम खत्म हो जाए तुम सबको तीन तीन हीरे बढ़ जाएंगे। चिल्लाना नहीं रे, बस सिर्फ वो प्रीति और विक्रांत खत्म हो जाए और उनका डेथ सर्टिफिकेट बैंक में दिखा दो। बहना बहना जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो गया है। हाँ आ रही हूँ। हेलो हेलो, नॉनसेंस, जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं। कितना लाइट जला के रखे ले अमेरिका बोलते। ये हम लोग इधर क्यों आए, क्यों है? लाइटिंग देखने आए ले एयरपोर्ट की। अरे विक्रांत से अकेले कैसे आ रहे ले? बाकी लोग सेकंड क्लास में आ रहे लेके तो कैसे हाथ हिलाते हुए आ रहे ले से? वेलकम टू अमेरिका विक्रांत सेठ, आपकी फ्लाइट तो ठीक थी ना? लेट नहीं हुआ, हम लोग अभी अभी आए। चुप शिकार को कोई शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल खबर नहीं विक्रांत सेठ, बस आप ही की हुकुम की देर है, बोले तो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि आप लोग कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना फ्लाइट पे? लेट्स गो। आइए आप लोग बैठिए, अनाम होटल में मिलते हैं फिर आगे का प्लान बनाते हैं। ठीक है। ए तू भी बैठ कर। फेंका ही क्यों ना, दूसरे की गाड़ी में बैठेगा तो ऐसा ही होगा। आजा अपनी गाड़ी में आजा, आजा उधर देख मत गई हो तो। चल गुरु हो जा शुरू, काला कौवा जाल में फंस चुका है। वेरी गुड, उन दोनों को कहाँ लेके जा रहा है? दी ग्रैंड हयात, वहाँ उसका चेक इन करवा कर आता हूँ, ठीक है? बड़ा बड़ा आजा फिर बात करते हैं, आजा। ठीक है गुरु।
विक्रांत से टॉप फ्लोर का स्वीट बुक किए ले, बोले तो सेफ्टी का फिकर नहीं करना। विक्रांत की सेफ्टी के बारे में तुम फिक्र मत करो, वो जहां भी जाता उसकी सिक्योरिटी उससे पहले पहुंच जाती है। तुम सिर्फ गुरु की सोचो। चलो बहना। ए यू, तुम मेरे साथ रहोगे। ये ना हो, दिन को किधर भी रखो, रात को घर पे ही जाना पड़े, तेरी भाभी को जानता नहीं है। शट अप यू लिटिल अम्ब्रेला यू। मी भाई, मेरे को नई जगह पे नहीं आता ना बिस्तर पे नींद। तुम्हें सोना कहाँ है, जागना है ताकि मैं चैन से सो सकूं। क्यों अन्ना? सही है, सही है। तो ऐसे कर, उसके साथ साथ रहे ताकि उसके हील चील पे नजर रख सके। हम क्या बरोबर। Don't move. Hold it. You. छोड़ दो उसे, क्या करे। Hey, come on, move. उसने पूरा टॉप फ्लोर ले लिया लाए और बोल दिया वो ऊपर तक नहीं जाएगी। कौन कौन ऊपर तक नहीं जाएगी? अरे वो यार, वो क्या है, वो जो बटन दबाने से ऊपर नीचे जाता है ना, वो छतरी। हाँ छतरी। अरे छतरी नहीं यार, वो? अरे वो यार जो चार पांच को एक साथ अंदर ले लेती है ना, वो। ए, एडल्ट बात मत कर, इधर माँ बहन खड़ी, एडल्ट बात मत कर। अरे एडल्ट बात नहीं कर रहा हूँ यार, तेरे को कैसे समझाऊं यार। वो क्या बोलते है यार उसको, लिफ्ट लिफ्ट गुरु लिफ्ट। ऊपर नीचे बोला है, कोई ऊपर तक नहीं आएगा। तो फिक्र मत करिए, लेता उसको मैं आड़े हाथ। उसके छपरी लोग लिफ्ट के बाहर खड़े रहते ना, जाता हूं एक रात दीवार पर चढ़ता हूं छिपकली की तरह और देता हूं साले को खर्चा पानी उसके रूम में जाकर। पूरे 12 बजे उसका 12 बजाता हूं। अरे गुरु क्या गुरु, गुरु, गुरु। ए छत्री, तू यहां क्या कर रहा है? अरे अरे मैं वहां का टाइम पास करता। अरे मैंने तेरे को बोला था ना विक्रांत पे नजर रखने। अरे अरे विक्रांत को तो गुरु के आदमी ने किडनैप कर लिया। किसने किडनैप किया? अरे आपने तो चाइनीज गुंडे भेजे थे। कौन से चाइनीज गुंडे भेजे थे मैंने? ये चाइनीज आदमी लगता है, ये चाइनीज लगता है ये लोग? तो फिर वो कौन थे? ऊपर 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 मैं क्या बोलता है, जो गुंडे आए थे ना किडनैप करने को, वो कोई विजिटिंग कार्ड छोड़ के गए। छत्री चुप चुप, पहले अपन लोगों को ये मालूम करना है कि वो चाइनीज गुंडे विक्रांत को लेके कहां गए हैं। ओ तो अभी उसको ढूंढने चाइना जाना पड़ेगा भाई। तो जावे लेकिन मेरे को तो चाइनीज आती नहीं है, तेरे को आती है मंगल भाई? चुप। हेलो भाई, विक्रांत तो किडनैप हो गया है, अबे अपन किसको टपकावे? डेथ सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे? बैंक से डायमंड्स कैसे मिलेंगे? डायमंड नहीं मिलेंगे तो फिर तो मेरे 3 डायमंड गए ना। ये तेरा एक काम ठीक से नहीं होता है ओ भाई रेल पटरी। मैं पहले से देख रहा हूं तेरा कोई काम इसमें इसकी बिल्कुल गलती नहीं है। ये सारा प्लान इस येड़ा अन्ना का था, बिल्कुल येड़ा प्लान था। नहीं मम्मी, ये गुरु ने ही गलत प्लान बनाया है। गुरु का प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ था। अरे गुरु सुपर है सनी, छोड़ा गया इधर जो घोटाला हुआ ये छोड़ तू मत। चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ। सुन बे, किसका फोन है येड़ा? गुरु वो विक्रांत तो अपन का वो निकला यार। क्या निकला? अरे वो बोले तो, अरे वो बोले तो जिसके छोटे छोटे बच्चे होते ना, क्या बोलते हैं उसको, माने किसके, गधे के, शियार के, कुत्ते के, मोर के, किसके? अरे कुत्ते के हो या शियार के, बच्चे किसके होते हैं? बच्चे माँ के होते हैं। माँ माँ के नहीं है यार, वो माँ के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? मामा 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 बोलते हैं। नहीं नहीं डैडी जी, मामा तो माँ का भाई होता है। नहीं भाई, जो माँ का भाई होता है वो मामा होता है। एक मिनट, एक मिनट, अब ये माँ है ना, अब इनकी बेटी मोना है ना, अब ये माँ के हस्बैंड को क्या बोलेगी? मालूम नहीं, मोहनलाल। मोहनलाल नहीं, बाप। बाप निकला गुरु, बाप निकला, वो जैसे अपन विक्रांत समझते थे वो उसका डुप्लीकेट निकला।
और असली विक्रांत तो उसमें आ रहा है, क्या क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमैन प्लेन। हाँ प्लेन में आ रहा है गुरु। वेल डन अन्ना, अब हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, सीधा गुरु गुलाब खत्री को खत्म करना है। कहाँ मिलेगा वो? वो आज इंडो अमेरिकन चैरिटी डिनर है ना, वो उधर ही नाच रहा होगा। तो ठीक है, उसे नाचने दो, तुम वहीं पर उसका बैंड लगा दो। ठीक है सेठ, आप पैसा रेडी रखना।
नजर तो मिला। आमोर सवरिया आ, आमोर सवरिया आ, आमोर सवरिया आ, आमोर सवरिया। लकड़ी का मंडल जैसा कोने में है यार, वो दरिया को लग के यस ब्रुकलिन ब्रिज, ब्रुकलिन 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 इसकी माँ का क्या पुलिस वाले। हेलो हाँ, मैंने भी छोटा छतरी फोन दे रहे, लिटिल अम्ब्रेला। बंद कर। अरे क्या है कि पुलिस है यार, इसे तो मुंबई की पुलिस सॉलिड है यार। भाई ला मेरे लाल, मेरे हिस्से के तीन हीरे। पहले मेरा बॉस ये डालना देखेगा। ए तुम्हारा बॉस मुझे पहला दिखाएगा। नो वे, मेरा गुरु हीरे पहले मुझे देगा। पहले पहले लगा ले, ला हीरे इधर ला, ला आग लगी लगती है। फॉर द मदर ऑफ मिस्टर विक्रांत, यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। Move up. Come on, all of you. Get going. Get and moving. Sit. Come fast. On, faster. Double up, all of you. Yes. Come on. Hey, come you. Come on now. Get moving. Yeah. Hey, come on. Good. Move. Yeah, yeah. Come on. This way. Yes. Come on. Keep going. We'll be right back.
विक्रांत ये फिर से कैसे जिंदा हो गया? कहीं है भूत 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 तो नहीं है ये। खा गए ना मात विक्रांत से साकरी बिसात पे। तुमने क्या सोचा था? विक्रांत मर गया, बलि चढ़ गया इन हजार करोड़ के हीरो पर। जो पहले आया था वही मैं था, असली विक्रांत। मैंने अपने आप को किडनैप करवाया था और जो मारा गया वो नकली। अब पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक विक्रांत मर चुका है और साथ ही मर गए उसके सारे पाप सारे गुनाह। अब मैं तुम सबको यहां दफन करके एक नए नाम के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। निकाल हीरे, चल जल्दी निकाल हीरे। हीरे यहां है। Oh!
हीरे विक्रांत के पास है, उसका पीछा करो। चलो विक्रांत, चलो 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 चलो। Ha ha ha!
गुरु सारे, तू यहां से नहीं जा सकता, तू मुझे नहीं हरा सकता, नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे साले, साले कमीने, छोड़ूंगा नहीं। गुरु आई वो आजा आजा अभी जा, हम लोग तेरा ही वो कर रहे थे वो इंतजार ना, मैं जानता हूँ हीरे की थैली किसके पास है, फटाफट निकालो बंटवारा करना है। हाँ हाँ बांटते हैं, चलो हीरे निकालो, निकालो ना। हाँ हाँ निकालते हीरे निकालो। Yeah man, I'm so thrilled, निकालो ना। ये मैंने भी कभी असली जामुन नहीं देखे, निकालो ना। अबे आम की सूखी गुठली जामुन नहीं हीरे हीरे निकालो भाई। हाँ हाँ परमिशन क्यों ले रहा भाई, निकाल निकाल निकाल। एक क्या रे तुम लोग एक दूसरे को निकालो निकालो बोल रहे हैं, कहाँ है वो थैली? येड़ा किधर है थैली बेटा? मेरे पास कहाँ है? ए छत्रे थैली निकाल। ओके बॉस बमो निकाल। मेरे पास नहीं है। नहीं है? नहीं। हाय याद आया, मैंने वो थैली मोना की तरफ फेंकी थी। ए मोना डालिंग चल थैली निकाल। मेरे पास नहीं है। क्या मतलब? मेरे पास थे लेकिन जब वो मॉन्स्टर के चमचे मुझे पकड़ने आए ना तो मैंने थैली मेरे चमचे की ओर फेंकी। ए क्या बात कर रही है, तूने थैली मेरे को दी क्या? चल लेड़ा अकेला नहीं खाने का बेटा पेड़ा, चल थैली निकाल। अबे अरे मेरे कम से कम मेरे हिस्से के तो तीन हीरे निकालो प्लीज। ए याद है याद है याद है, जब मैं टीना को बचा लेला था ना तब मैंने थैली मणिलाल को दी थी। तो मणिलाल को पकड़ो ना गांडा भाई। नहीं तू क्यों ऐसा घूर के देखते ताड़पत्री? छोटा छत्री। कौन छोटा छत्री? मेरा नाम छोटा छत्री। हाँ तो उसका क्या है? ए फिर से तो मेरे वो गली में मतलब मणिलाल। ए यही मणिलाल है, मैं बोला ना इसको पकड़ो। मणिलाल तू है? नहीं तू बोला ना तू मणिलाल। मणिलाल मणिलाल चलो चल हीरे निकाल। हीरे मेरे पास नहीं है, हीरे मेरे पास नहीं है। अबे भुलक्कड़ हीरे तेरे पास नहीं है तो किसके पास है? बोलता है या निकालूं पोपट अपना? याद आ गया पोपटलाल। अरे पोपटलाल कौन है यार? ये पोपटलाल कौन है? पोपटलाल उधर मारामारी करता था ना, मारामारी। ओह क्या नाम है उसका? फेविकॉल। फेविकॉल यार इसने हीरे कहीं विक्रांत के आदमी को तो नहीं दिया ना? फेविकॉल। अरे डायरेक्टर के सारे नाम गिनवा दिए तूने, फेविकॉल को दिया या पोपटलाल को दिया है? रानीपाल को। रानीपाल। ये रानीपाल कौन है? रेखा का हस्बैंड। रेखा कौन? मेरी बेटी। ले मेरी बेटी अनमोल को दिए। तो वही तो बता रहा हूँ मैं कब से इसको। तूने दिमाग का दही नहीं लस्सी किया है, कितना नाम ढूंढने कर रहे। अभी अभी नाम मिल गया ना, निकालो हीरे निकालो, नाम मिल गया ना अभी। अरे लेकिन अनमोल तो गायब है। एक बार फिर सोच लो अनमोल, गुरु का गुस्सा बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें जान से भी मार सकता है। नहीं प्रीति अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे सारे दुख सारे दर्द दूर कर दूंगा, अब वो वक्त आ गया है। हेलो मैं अनमोल बोल रहा हूँ। किधर उड़नछू हुआ रे तू? हाँ और हीरे कहाँ है? गुरु प्रीति और हीरे दोनों मेरे पास हैं। तो उधर क्या कर रहा है? इधर आके मार, तुम दोनों इधर आओ। नहीं गुरु। नहीं हम दोनों ने फैसला किया है। क्या फैसला किया है? अब हम तुम्हारी दुनिया में नहीं जीना चाहते। तू बोलना क्या चाहता है? मेरा मतलब है मैं मोना के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अरे तो मोना के साथ नहीं रहना चाहता तो मेरे को क्यों बोलता है? अपनी बीवी को जाके बोल हिरन लेके आए इधर। प्रीति भी अपने शादी के रिश्ते से आजाद होना चाहती है। अरे प्रीति को मार गोली, हीरे लेके आ हीरे। मैं हीरे तुम्हें दूंगा लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम्हें प्रीति से अलग होना पड़ेगा। ए मोना मदारी के बंदर, साले गुलाब खत्री के सामने शर्त रखता है तू? हाँ नहीं देता डाइवोर्स उसको, जा क्या कर लेगा तू? तुम्हें किससे प्यार है, हीरो से या प्रीति से? हीरो से प्यार है। तो बस तो फिर डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके 5 बजे डॉक्स पर आ जाना। साला तो टके का डेंटिस्ट गुलाब खत्री को बोलता है डिवोर्स देने के लिए, इट्स इम्पॉसिबल। टीना
चीटा फ्लैट, तुम्हारे प्यार में मैं ब्लाइंड हो गई। और तुम जिसे प्यार नहीं करते, जिसे शादी करके एक पल साथ नहीं बताया, जिसे तुमने छुआ तक नहीं, जो शादी शादी ही नहीं, उसे तुम अपनी झूठी कमर में जाने के लिए तोड़ना नहीं चाहते। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी टीना। बिल्कुल नहीं। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा है, और वो तुम हो। या क्या येड़ा, बाप से गद्दारी? ए चल चल साला, खुद गद्दारी के पहाड़ पे चढ़कर बैठा है और अपन को वफादारी का गोली खिलाता है। तू क्या समझता है, अन्ना कान पे बीड़ी लगा कर चलता है? खुद 1000 करोड़ के झूले पे झूलता रहेगा और अपन 5 करोड़ लेकर पुरानी बस्ती में सड़ता रहेगा। चल निकाल, अबे चल निकाल, देखता क्या। चल इधर इधर चल, बहुत हो गया नाच गाना तेरा। चल चल चल, पोटली फेंक, जल्दी कर अन्ना, फेंक पोटली। ये तो हीरे क्या कर सकते अभी, ये तो गोली मार देगा। बी कंफर्टेबल येड़ा, थोड़ा लेफ्ट राइट का बैलेंस संभालना प्लीज। और छतरी, बॉस का ध्यान रखना। हाँ, अभी सब तेरे कंधे पर है, समझे? जबरदस्ती मेरी हाइट क्यों बढ़ा रहे हो मेरे बाप? अरे वो तो दे दी जाओ कम से कम। वो क्या बोलते उसको, वो क्या बोलते, ये क्या बोलेगा, स्टूल तो दे दी जाओ। हिल मत, नहीं तो येड़ा हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाएगा। और सुन येड़ा, दुनिया जानती है कि गुरु गुलाब खत्री अपने वादे का बहुत पक्का है। तेरा मेरा सौदा हुआ था 5 करोड़ का, ये देख 5 करोड़ के हीरे, ये ले। और हाँ, दिवाली स्पेशल ऑफर, तुम दोनों के लिए 3-3 हीरे, मुफ्त मुफ्त मुफ्त।
मैं चलता हूँ, ओके बाय बाय। जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे गुरु गुरु। अन्ना अन्ना क्या है भाई? 5 मिनट सांस रोके खड़े रह सकते हो भाई? जरा माल लपेट लूं? अबे चुप, तेरे चक्कर में तो यहाँ फंसा हूँ, अब तू हिलेगा तो मैं मारूंगा। अरे अन्ना जिंदगी भर मैं तेरे साथ एडजस्ट किया है, 1-5 मिनट तू एडजस्ट नहीं कर सकता है? अबे खड़े रहे। अच्छा 4 मिनट बोला ना, खड़े रहे साले। मैं वापस आके खड़े तो ना, खड़े रहे सीधा, खड़े रहे हिलना मत तू, साले तेरे चक्कर में फंसा हूँ, खड़े रहे। अबे क्या कर रहा है, पहले मेरे को छोड़ा रस्सी का। अन्ना आया गधा। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, मैं यूं ही सोच रहा था कि क्या यही कि हम इंडिया तो जा रहे हैं लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, घर तक नहीं। मैं प्यार के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। प्यार तो दे सकते हो ना, और कौन कहता है कि तुम बेघर हो, तुम्हारा इतना बड़ा दिल जो है, मैं इसी में रह लूंगी। अबे गांडी, जब बनिए का बिल आएगा ना तो चुकाने के लिए दिल बिल नहीं चलेगा, रोकड़ा चुकाना पड़ेगा बेबी। डैडी जी आप? हाँ डैडी जी, ये देख। लेकिन आप इन कपड़ों में क्या कर रहे हैं? तू कपड़ा छोड़ ना, ये ले। ये क्या है? अरे तू रख ना, क्या 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 करता है रख। हीरे? लेकिन ये हीरे आपको दिए किसने? बताता हूं ना, उसका नाम था, ओ नाम भूलियो भगवान। क्या है, बात ये है कि अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा दामाद ही ऐसा है, मेरा दामाद ही ऐसा, मैंने कुछ नहीं चप, किया चप, नहीं नहीं चप, मैंने कुछ नहीं, मैंने कुछ चप, नहीं किया चप, दुखता है। ये ले प्रीति के हिस्से के हीरे, और तेरे भी तीन है कमीने। तुम तो भाई बहुत अच्छे आदमी। ए, गाली मत देना, अच्छा बच्चा मत बोलना, गुरु कभी किसी का हक नहीं मारता, समझे? ठीक 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 है। चल कॉफी पीते। नहीं नहीं चलना, प्लीज कॉफी पीते ना। नहीं कॉफी नहीं, कॉफी नहीं प्लीज, चलना भाई मेरा उपवास है। देख मेरा उपवास है, मेरा जय पार्वती का व्रत है, उपवास है मेरा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरु का दिल इतना पिघल सकता है। अभी ये गुरु शुक्र तुम जाने दो ना, तुम तुम्हारे गुटली खाओ ना भाई, सब आम क्यों गिनते हो? ए बेटा अनमोल, बेटा प्रीति, सदा सुखी रहना हो। डैडी जी आपने तो कमाल कर दिया। क्या हम दोनों के नाम आपने सही बताए? क्या बात करते हैं, ओ ये तो चमत्कार हो गया साला। लो बोलो, हीरा मिलते जयंतीलाल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मणिलाल? कौन मणिलाल? Yeah.
I should be down by the wee.